ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो एस्टियोरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट्स है प्रकाशीय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो इधर क्लासिफिकेशन किए थे ना, एस्टियो आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना, और एस्टियो आइसोमेरिज्म का यहाँ पर हम बात किए थे दो प्रकार का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिए हो। अच्छा एक जान लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, CISTRANS जान लो, कान से निकाल दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप्स जो है ना प्रकाशीय समावयवता, वे एस्टियो आइसोमेरिज्म आइसोमर्स जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें क्या रहेंगे। अब ये क्या होती है, इसके आगे क्लासिफिकेशन किया गया एसिमेट्रिक कार्बन का, जिसमें क्या रहेंगे ASSYMET। अभी जो फिजिक्स में वो चीज़ चार पांच को इमेज देख के बताए हैं, जी का मान फलना चिलना बना ही लेना उसको कॉपी में, खूब पूछता है एग्जाम में, वो इसमें कॉपी में था ना जिससे हम पढ़ाए थे, फिर ही बता देंगे, कहता था एग्जाम पूछता है क्वेश्चन इससे, देख लेना उसको। वे एस्टियोरो आइसोमर्स जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होते हैं, और यह प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा घुमाता है। अब ये सब कुछ टेक्निकल टर्म से आगे समझ में आएगा, अभी सिर्फ सुन लो कि ये क्या होती है। वे एस्टियोरो आइसोमर्स जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, ठीक है ना, और वह क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देगा, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस पूरा डिफरेंस समझने के लिए तीन वर्ड आया, क्या आया, एसिमेट्रिक कार्बन और प्लेन पोलराइज लाइट। समझते हैं पहले, वही टॉपिक है, स्टार दे करके फिर इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहले ये समझ लो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है, एसिमेट्रिक कार्बन जिसको चिरल कार्बन भी कहते हो, एसिमेट्रिक कार्बन क्या कहते हो, चिरल कार्बन भी कहते हो, जब किसी कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है, कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे यहाँ कार्बन का चारों बॉन्ड होगा ना, इससे पहले पढ़ते थे हम लोग एक ही बॉन्ड जोड़ते थे, हाइड्रोजन जोड़ते थे, कार्बन चारों बॉन्ड किससे जोड़ते थे, हाइड्रोजन से, लेकिन जब कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो क्या बोलेगा उसको, एसिमेट्रिक कार्बन या चिरल कार्बन बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ मान लो बी से जोड़ दिया, यहाँ ए से जोड़ दिया, यहाँ एक्स वाई से जोड़ दिया, यहाँ किससे जोड़ दिया, एक्स से जोड़ दिया, अब समझ में आ गया ना, उसे कह देंगे एसिमेट्रिक कार्बन, चिरल कार्बन कह देंगे। अब जैसे अनपोलराइज लाइट कहेंगे, कैसे कहेंगे, मान लो ऐसे लाइट्स हैं अलग अलग दिशा में, सब है किसी दिशा में, अलग अलग दिशा में है, उस कंडीशन में ये हो गए अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसको क्या करेंगे, NiCl निकोल प्रिज्म से पास कराने पर, समझना करना, पास कराएंगे किसी से, पास कराएंगे हमको करना कि यह पोलराइज करना है, पोलराइज करने का मतलब सब सीधा हो जाएगा, लाइट्स ऐसे लाइट्स हो जाएंगे, लाइट कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो इसी को कहते हो, अभी ऐसे ऐसे था अलग अलग दिशा में, अब ऐसे हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। तो अब समझो डिफिनेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, वे एस्टियोरो आइसोमर्स जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होंगे, ये कार्बन उपस्थित होंगे, और वो क्या करेगा, ये जो एक प्लेन में पोलराइज्ड लाइट है उसको घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करेगा, घुमा देगा, तब से क्या बोलेंगे लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ये बात हो गया। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को तीन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, तीन भागों में, अब इसी को घुमाएंगे तो पता चल जाएगा। पहला है, तीन भागों में बांटा गया है, डेक्स्ट्रो, ये यहाँ तक पढ़ करके आज छोड़ेंगे, फिर कल आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, कल फिर देना, कल बॉन्ड तोड़ेंगे आराम से, तब दिक्कत क्या है, हैं चटनी दे देंगे थोड़ा सा, नहीं तो क्या कैसे थे दाल बात दिया, एक बैगन दे देगा, तेरा तरवा तो था ना, नहीं है, नहीं कोई दिक्कत,
डेक्स्ट्रो कंपाउंड, इसको डेक्स्ट्रो हो गया ना, इसको डी कंपाउंड भी कहते हो, क्या कहते हैं इसको, डी कंपाउंड। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के दिशा में घुमाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को किधर घुमाएगा, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में क्या करेगा, घुमा देगा, तो उसे क्या कहेंगे, डी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो कंपाउंड कहेंगे। जैसे देखो, जैसे अभी कनेक्ट किया था ना, सी से कनेक्ट किया बी को, इसको कनेक्ट किया एक्स से, इसको कनेक्ट किया किस से, वाई से, इसको कनेक्ट किया ए से। अब इसको क्या करेगा, किस दिशा में घुमाएगा, इसको घड़ी की दिशा में, तो ऐसे घुमा देगा इसको, ऐसे क्या करेंगे इसको हम लोग, रोटेट कर देंगे, तो यही क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपाउंड है लेबो कंपाउंड, लिबो कंपाउंड, एल कंपाउंड, एल से शुरू हो गया, एल कंपाउंड, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं है। ई किधर घुमाया, ये क्या करेगा, वही होगा, घड़ी की दिशा में घुमाता है। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है, प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाता है, दिशा में घुमाता है, ठीक है ना। जैसे इसी फिगर बनाओ फिर से, मान लो कार्बन यहाँ है, बी है यहाँ से, एक्स है यहाँ, अच्छा ठीक है, वो है दूसरा में फिगर नहीं है, तो कम से कम जान बचाया नहीं, तुम्हारा पेज बदलना पड़ता। अब इसको क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे घुमा देगा, मान लो है ना, इसको आप घड़ी के तो हो जाएंगे एल कंपाउंड्स बन जाएंगे, यानी कि इसी को जब घुमा देंगे ई कंपाउंड, उसी घुमा देंगे तो ऊ कंपाउंड, एक ही ऑप्टिकल, उसी को कहते ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। और तीसरा इसका क्या हो गया, तीसरा इसका हो गया रेसमिक कंपाउंड, कहना है क्या, तब मरी उरी ऐसे कर रहे हो ध्यान, रेसमिक कंपाउंड इसको कहते हो डी एल कंपाउंड, डी और एल इसमें क्या होंगे, दोनों होंगे, यानी कि वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के दोनों दिशा में घुमाएगा, ये क्या करेगा, दोनों दिशा में घुमाएगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों, दोनों दिशा में घुमाएगा, घुमाता है, तो वो हो जाएगा डीएल कंपाउंड। यही था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। और कल से बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ने का मतलब, इससे पहले बॉन्ड को तोड़ा था ना, फलना और फलना मेरे का फलना बनाएगा, अब उसको देखेंगे तोड़ करके, जब तक तोड़ने के लिए जाओगे तब तक जोड़ने के लिए भी नहीं, इसीलिए तोड़ना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से डी और एल कंपाउंड से इमेज रखे टेक्निकली, अभी क्या पढ़ा, एलोक एलोक कलक तलक पढ़ा है ना, जो भी ये डी होला ये एल वाला हो गया, उसका मिरर इमेज निकालेगा तो डी से एल बन जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ सिर वाला ऊपर में रहेगा, यह इधर था ना, इधर आ गया एच, यानी कि क्या होंगे, क्लॉक वाइज होंगे, देख रहे हो ना, सी एस थ्री यहाँ था, सी एस थ्री इधर आ गया, देख रहे हो ना बात को, एन एस टू यहाँ था, एन एस टू यहाँ आ गया, देख रहे हो, यही है, इसी प्रकार कुछ फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं। यहाँ उसका यानी कि मिरर इमेज यहाँ बात होती है, वो चीज़ होती है, लेफ्ट वाला राइट होगा, जैसे इस हाथ का मिरर इमेज ये है ना, मिरर इमेज ये, इसका मेरे जमेंट ये हो गया। चलो ज़्यादा जानकारी नहीं लेना इसके बारे में, कल हम लोग फिर जाना बॉन्ड बारे में पढ़ेंगे।